हेलो फ्रेंड्स, शौर्यन एकेडमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ेंगे और इससे जानेंगे कि किस प्रकार शब्द में परिवर्तन होता है। कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हमने एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आधार पर ये अपने वीडियोस को डिटेल में बनाया है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वचन क्या है। संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए हिंदी के वचन को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एक वचन। तो संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं, जैसे लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप इत्यादि। उसी प्रकार संज्ञा के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहेंगे, जैसे लड़के, कपड़े, टोपियां, रंगों में, रूपों से इत्यादि। आदर के लिए भी बहुवचन आता है, जैसे राजा के बड़े बेटे आए हैं, कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं, तुम बच्चे हो इत्यादि। एक उदाहरण के द्वारा समझिए इसको कि एक उदाहरण है, मूल रंग तीन है। इस वाक्य में रंग शब्द बहुवचन है, पर यह बात केवल क्रिया से तथा विधेय विशेषण तीन से जानी जाती है, पर स्वयं रंग शब्द में बहुवचन का कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि यह शब्द विभक्ति रहित है। विभक्ति के योग से रंग शब्द का बहुवचन रूप रंगो हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जानिए कि संज्ञा का मूल रूप में प्रत्यय लगाने से प्रथमा का बहुवचन बनता है, जैसे लड़की, लड़कियां, गाय, गायें, बिल्ली, बिल्लियां। दूसरे विभक्ति सहित कारकों में बहुवचन का जो रूप होता है वह प्रथमा विभक्ति रहित कर्ता कारक के बहुवचन रूप से भिन्न रहता है, और उस रूप में इस रूप का कुछ काम नहीं पड़ता, जैसे गाय तो गायों ने, गायों को इत्यादि। अब जानते हैं विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम। तो हिंदी और संस्कृत के शब्द पुल्लिंग में देखते हैं। व्यंजनात् संज्ञाएं हिंदी में व्यंजनात् संज्ञाएं नहीं है। संस्कृत की अधिकांश व्यंजनात् संज्ञाएं हिंदी में आकारांत पुल्लिंग हो जाती है, जैसे मनस मन, नामन नाम, पंथिन पंथ इत्यादि। साथ ही साथ व्यंजनात् शब्द जैसे विद्वान, भगवान, श्रीमान आदि हिंदी में जैसे के तैसे आते हैं। इसका रूपांतरण आकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान होता है। आइए देखते हैं कुछ आकारांत शब्द कैसे कौन कौन हैं। तो आकारांत शब्द हिंदी में घर घर, संस्कृत बालक और बालक। इकारांत शब्द हिंदी में नहीं है, संस्कृत में मुनि मुनि। इकारांत शब्द हिंदी में भाई भाई, संस्कृत में पक्षी और पक्षी। हिंदी में संस्कृत की इनंत संज्ञाएँ इकारांत प्रथमा एक वचन रूप में आती है, जैसे पक्षिन से पक्षी, स्वामिन से स्वामी, योगिन से योगी इत्यादि। संस्कृत के मूल इकारांत पुल्लिंग शब्द हिंदी में केवल गिनती के हैं, जैसे सेनानी। आइए आगे और समझिए। उकारांत हिंदी शब्द नहीं है, संस्कृत में साधु और साधु। उकारांत हिंदी डाकू डाकू, संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं है। इकारांत शब्द चौबे चौबे, संस्कृत शब्द हिंदी में इसके नहीं है। आगे जानेंगे हिंदी और संस्कृत शब्द स्त्रीलिंग वाले। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंत स्वर में ए करने से बनता है, जैसे बहन है तो बहने, आंख से आंखें, रात रातें, बात बातें, झील झीलें। संस्कृत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पर हिंदी में संस्कृत के जो थोड़े से व्यंजनात् स्त्रीलिंग शब्द आते हैं वह आकारांत हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ मैं कि समिध, समिध में ध में हलंत है, तो इसका क्या हो जाता है आकारांत शब्द समिध, जिसमें ध में हलंत नहीं होगा। इसी प्रकार सरित, त में हलंत होगा, फिर दूसरा सरित में हलंत नहीं होगा। आगे और समझिए, इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं में ई का हस्व करके अंत स्वर के पश्चात या जोड़ते हैं, जैसे टोपी है तो टोपियाँ, तिथि से तिथियाँ, रानी से रानियां, नदी नदियां, राशि राशियां इत्यादि।
हिंदी में इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं संस्कृत की है और इकारांत संज्ञाएं संस्कृत और हिंदी दोनों की है, ठीक है। शेष स्त्रीलिंग शब्दों में अंत स्वर के परे ए लगाते हैं और ऊ ह्रस्व कर देते हैं, जैसे लता से लताएं, वस्तु से वस्तुएं, कथा से कथाएं, माता से माताएं, गौ से गौएं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में विकल्प से ये लगाते हैं, जैसे शाला तो शालाएं, माता से माताएं, अप्सरा है तो अप्सराएं इत्यादि। आगे जानेंगे उर्दू शब्द। तो हिंदीगत उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उसमें हिंदी प्रत्यय लगाते हैं, जैसे शाहजादा है तो शाहजादे, बेगम से बेगमे इत्यादि। फारसी प्राणीवाचक संज्ञा का बहुवचन आना लगाने से बनता है, जैसे साहब है तो साहबान, मालिक है तो मालिकान, काश्तकार है तो काश्तकारान इत्यादि। साथ ही साथ यह भी जानिए आप लोग कि फारसी अप्राणीवाचक संज्ञाओं का बहुवचन अरबी की नकल कर आत लगाकर बनाते हैं, जैसे कागज है तो कागजात। अरबी व्याकरण के अनुसार बहुवचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नियमित और दूसरा होते हैं अनियमित, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये जान लें आप भी इसको, ये एग्जाम में इतना पूछे नहीं जाते हैं फिर भी जानना चाहिए इसे। तो नियमित बहुवचन शब्द के अंत में आत लगाने से बनता है, जैसे ख्याल है तो ख्यालात, इख्तियार है तो इख्तियारात, मकान है तो मकानात, मुकदमा है तो मुकदमात इत्यादि, ठीक है। उसी प्रकार अनियमित बहुवचन बनाने के लिए शब्द के आदि, मध्य और अंत में रूपांतरण होता है, जैसे हुक्म है तो अहकाम, हाकिम है तो हुक्काम, कायदा है तो कवायद इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आगे कंटिन्यू करें और वचन के परिवर्तन को समझें कि जिन मनुष्यवाचक पुल्लिंग शब्द के रूप दोनों वचनों में एक से होते हैं उनके बहुवचन में लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे ये ऋषि लोग आपके सम्मुख चले आते हैं, आर्य लोग सूर्य उपासक थे इत्यादि। लोग शब्द मनुष्यवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत बहुवचन के साथ भी आता है, जैसे लड़के लोग, चेले लोग, बनिए लोग इत्यादि, ठीक है ना। भारतेंदु जी लोग शब्द का प्रयोग मनुष्येतर प्राणियों के नामों के साथ करते थे, जैसे पक्षी लोग, चींटियां लोग, यह प्रयोग एक देशीय था, ठीक है। लोग शब्द के सिवा गुण, जाति, जन, वर्ग आदि समूहवाचक संस्कृत शब्द बहुवचन के अर्थ में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, जैसे गण में यह शब्द बहुधा मनुष्यों, देवताओं और ग्रहों के नाम के साथ आता है, ठीक है ना। जैसे देवतागण, अप्सरागण, बालकगण, शिक्षकगण, तारागण, ग्रहगण इत्यादि। रामचरितमानस में इंद्रियगण आया है, ठीक है। आगे जानते हैं वर्ग या जाति। ये शब्द जाति के बोधक हैं जो बहुधा प्राणीवाचक शब्दों के साथ आते हैं, जैसे मनुष्य जाति, स्त्री जाति, जनक जाति, पशु जाति, बंधु वर्ग, पाठक वर्ग इत्यादि। इन संयुक्त शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन में होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे जानते हैं जन। इसका प्रयोग मनुष्यवाचक शब्दों के साथ होता है, जैसे भक्तगण, गुरुजन, स्त्रीजन इत्यादि। आगे और जानते हैं कि संज्ञाओं के तीन भेदों में से जातिवाचक संज्ञा ही बहुवचन में आती है, परंतु जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है तब उसका भी बहुवचन होता है, जैसे कहूँ रावण, ठीक है, रावण जग केते, उठती बुरी है भावनाएं, है मन में हृदयाम के, इस प्रकार के ये उदाहरण होते हैं। जब पन प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाना होता है तब उसके आकारांत मूल शब्द में आ के स्थान पर ए आदेश कर देते हैं, जैसे सीधापन, सीधेपन आदि। आगे जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, परंतु जब किसी द्रव्य की भिन्न भिन्न जातियां सूचित करने की आवश्यकता होती है तब इन संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे आजकल बाजार में कई तेल बिकते हैं, दोनों सोने चोखे हैं। आगे जानते हैं कि पदार्थों की बड़ी संख्या, परिणाम या समूह सूचित करने के लिए जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है, जैसे मेले में केवल शहर का आदमी आया, उसके पास बहुत रुपया मिला, इस साल नारंगी बहुत हुई, ये इस प्रकार के उदाहरण हैं इसके। आगे और इसे कंटिन्यू करेंगे।
आगे कंटिन्यू करते हैं कि कई एक शब्द बहुत की भावना के कारण बहुवचन में ही आते हैं, जैसे समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, भाग्य, दर्शन इत्यादि। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे रिपु के समाचार, आश्रम के दर्शन करके, ठीक है, तेरे भाग्य खुल गए, लोग कहते हैं इत्यादि। आदरार्थ बहुवचन में व्यक्तिवाचक और उपनामवाचक संज्ञाओं के आगे जी, महाराज, साहब, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, देवी इत्यादि लगाते हैं। हम सभी इन सब का प्रयोग करते हैं। आइए जाने कुछ बेसिक चीज, जैसे जी, जी का प्रयोग कैसे किया जाता है। यह शब्द नाम, उपनाम, पद, उपपद इत्यादि के साथ आता है और साधारण नौकर से लेकर देवता तक के लिए इसका प्रयोग होता है। महाराज, तो इसका प्रयोग साधु, ब्राह्मण, राजा और देवताओं के लिए होता है। यह शब्द नाम तथा उपनाम के आगे जोड़ा जाता है। फिर है साहब, तो यह उर्दू शब्द बहुधा जी के पर्याय में आता है। महाशय और महोदय, महोदय, तो इन शब्दों का अर्थ जो है यह साहब के समान है। फिर है बहादुर, तो यह शब्द राजा, महाराजाओं तथा बड़े बड़े हाकिमों के नामों और उपनामों के साथ आता है। आगे है शास्त्री, तो यह शब्द संस्कृत के विद्वानों के नामों में लगाया जाता है, जैसे राम प्रसाद शास्त्री इत्यादि। स्वामी और सरस्वती, तो ये शब्द महात्माओं के नामों के आगे आता है, जैसे तुलसीराम, स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि। फिर है देवी, तो ब्राह्मण और कुलीन सद्भा स्त्रियों के नामों के साथ बहुधा देवी शब्द लगाए जाते हैं। आगे है आदर के लिए कुछ शब्द नामों और उपनामों के पहले भी लगाए जाते हैं, जैसे श्री, श्रीयुक्त, श्रीयुत, श्रीमान, श्रीमती, कुमारी, माननीय, महात्मा, महाराज, स्वामी, महाशय आदि। ये कभी कभी नामों के पहले भी आते हैं। जाति के अनुसार पुरुषों के नामों के पहले पंडित, बाबू, ठाकुर, लाला, संत शब्द लगाए जाते हैं। इन आदर सूचक शब्दों का वचन में कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द हैं और इसके कारण मूल शब्दों में कोई रूपांतरण भी नहीं होता है। तथापि इस प्रकार लिंग में पुरुष, स्त्री, नर, मादा और वचन में लोग, गण, जाति आदि स्वतंत्र शब्दों का प्रत्यय मान लेते हैं। उसी प्रकार इन आदर सूचक शब्दों को आदरार्थ बहुवचन के प्रत्यय मानकर उसका संक्षिप्त विचार किया गया है। आगे जान लीजिएगा, कुछ बहुवचन के शब्द हैं और कुछ एक वचन के शब्द हैं, जो हमेशा बहुवचन में होते हैं और एक वचन में आते हैं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना वचन और उसके रूप परिवर्तन को। वचन में इससे अतिरिक्त एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। हाय फ्रेंड्स, होप आपको हमारे एजुकेशनल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, सो दैट आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड वीडियोस हमेशा सबसे पहले मिले। किसी भी फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर पोस्ट करें। ऑल द बेस्ट आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एंड स्टे ट्यून टू शॉर्टन एकेडमिक्स, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन एनी टाइम एंड एनीवेयर।